जय हिंद साथियों। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट की साइट पर मिट्टी खुदाई नहीं होगी। बाकी ज़िले में सारे निर्माण कार्य 7 दिन के लिए बंद करा दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आई है। जेवर एयरपोर्ट की जो साइट है, इस पर मिट्टी की खुदाई नहीं होगी भाई। और जो बाकी ज़िले हैं, इनमें सारे निर्माण कार्य 7 दिन के लिए बंद करा दिए गए हैं। तो देखिए, पूरी अपडेट पता लगेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया। जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की साइट पर मिट्टी की खुदाई बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट साइट पर बाकी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण के दायरे में सभी निर्माण बंद कर दिए गए हैं। सभी रियल इस्टेट साइट, सड़कों के निर्माण और दूसरे तमाम काम अगले 7 दिन तक बंद रहेंगे। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह के कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है। इस समय वायु प्रदूषण के कारण बुरा हाल है, इससे निपटने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। तो आज का AQI रेट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक गुरुवार की सुबह को नोएडा की AQI लगभग 383, गाजियाबाद की AQI लगभग 336 और ग्रेटर नोएडा की AQI लगभग 312, फरीदाबाद की 373, गुरुग्राम की 319 और भिवानी की 312, बहादुरगढ़ की 353, बुलंदशहर की 242, हापुड़ की 208, मेरठ की 174 और सोनीपत की 298 दर्ज की गई। धीरेन्द्र सिंह ने DM को लिखा पत्र। तो धीरेन्द्र सिंह ने बुधवार की सुबह यह पत्र जिलाधिकारी को भेजा। उन्होंने DM को इस प्रदूषण की वजह भी बताई है। विधायक ने लिखा, यह खराब वायु गुणवत्ता के कारण सड़कों के आसपास से उड़ने वाली धूल है। सड़कों का निर्माण और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नियमों के विपरीत मिट्टी ढोने वाले डंपर की वजह है, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 दिवसीय दौरे पर ग्रेटर नोएडा में आए थे। उन्होंने वायु में गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए। स्थिति की गंभीरता पर अभिलंब निर्णय लें। प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है। तो एक बड़ी अपडेट है भैया ये।